पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाले आरोपी पिता को जांजगीर जिले के फर्स्ट ट्रेड कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। शक्ति थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपने ही मासूम नाबालिग पुत्री के साथ 2 साल तक बलात्कार किया। पुत्री के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंच गया। जांजगीर जिले की शक्ति फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिसने अपनी ही पुत्री के साथ कुकर्म करते हुए पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। शक्ति थाना क्षेत्र में 2 साल पहले यह मामला सामने आया था। मामले का जब खुलासा हुआ तब सभी चौंक गए थे। डरा धमका कर आरोपी अपनी पुत्री का लगातार दैहिक शोषण करता रहा। पुत्री जब गर्भवती हुई तब मामले का राजफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। 2 साल तक सुनवाई चलने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। थाना शक्ति द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जांच की गई और उसके पश्चात जो है आरोपी अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त पिता के खिलाफ अभियुक्त पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ विचारोपरांत आरोपित अपराध अभियुक्त के खिलाफ साबित होने पर माननीय विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही आरोपी के खिलाफ 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। बहरहाल अब आरोपी की पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीतेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भारत सिंह चौहान की रिपोर्ट।